हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम लोगों ने चिकन टिक्का, पनीर टिक्का या फिर मटन टिक्का, ये तो हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, पर मैं आज कुछ अलग बनाऊंगी। आज मैं ब्रेड चीज़ टिक्का बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिश तो सभी को पसंद आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और जिन्हें चीज़ पसंद है उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने चीज़ भी ऐड किया है। मैंने तो थोड़ी कम डाली है, आप और भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको और ज़्यादा चाहिए चीज़ तो आप और ज़्यादा चीज़ डाल लो, मैंने थोड़ी सी कम डाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 3 ब्रेड ली। आप यहाँ कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, चौकोर चौकोर पीसेस कट किए हैं इसकी, ये आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो साइड वाला ब्राउन पार्ट जो होता है उसे निकाल दो और वाइट वाइट ही रहने दो, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मैंने पूरा काट लिया साथ में। तो ये देखें, ये मैंने सारी ब्रेड का कट कर लिया है। फिर हमें चाहिए होगी टूथपिक, और ये प्याज मैंने क्यूब्स में कट किए, जैसे हम टिक्के में करते हैं, चिकन टिक्का या मटन टिक्का बनाते हैं तब काटते हैं, वैसे ही प्याज काट लें। और मैंने ये शिमला मिर्च भी कट की है क्यूब्स में, तो आप भी ऐसे ही कट कर लें। अब हम सबसे पहले टूथपिक में प्याज लगाएंगे, फिर 2 ब्रेड की स्लाइसेस लगाएंगे। 2 लगाने से ज़रा सा ऊँचा हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा और मज़ेदार तो लगेगा ही। फिर सबसे उसके ऊपर हम लगा देंगे शिमला मिर्च, आप 1-2 जो भी चाहें अपने हिसाब से लगाएं, मैंने तो 1 ही लगाया है। ऐसे ही करके हमने सारे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मेरे सारे रेडी हो चुके हैं, मैंने सारे एक एक करके बना लिए। अब हमने एक बाउल में, या तो आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसन ले लें, जो आपको सही लगे। मैंने तो चावल का आटा यूज़ किया है। उसमें मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, भुना ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, और फिर मैं ऐड करूंगी उसमें धनिया पाउडर, फिर हरी धनिया, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है मैंने, और फिर हमने थोड़े थोड़े पानी डाल के उसे मिक्स करना है, ताकि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पतला हो जाएगा तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, हमने मीडियम बैटर तैयार करना है इसका। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे इसमें, क्योंकि एक साथ ज़्यादा अगर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने थोड़े थोड़े पानी करके ऐड करने हैं इसमें, और फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना गाढ़ा है वो या बहुत पतला है, तो उस हिसाब से आप अंदाज से पानी डालें इसमें थोड़ा थोड़ा करके, इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर 5-10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख दें। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इतना ही थिन रखना है बैटर, और पतला नहीं करना। तो ये देखें, अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें अपना जो ब्रेड का टिक्का बना रखा था उसे डिप करना है, फिर निकाल के फिर हम इसे तेल में डाल देंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई करें, आप चाहें तो शैलो फ्राई करें, ये आपके ऊपर है। तो मैं तो यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ, और इसे डालें 3-4 मिनट लगेंगे, फट से ये रेडी हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत ही मज़े की डिश बन के तैयार होती है बहुत कम टाइम में। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। आप इसमें कोई और भी वेजीज डालना चाहें तो आप डाल सकते हो, हमारे घर में तो बहुत सारी वेजीज पड़ी होती हैं वैसे भी, तो आप जिस वेजीज का यूज़ करना चाहें ब्रेड के साथ आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च का किया है, आप और भी वेजीज ऐड कर सकते हो इसमें, स्वीट कॉर्न वगैरह। तो अब ये देखें, ये फ्राई हो गया है, 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से इसे फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसे ज़्यादा देर तक तेल में छोड़े भी ना, फौरन निकालें, वरना ब्रेड जो है वो तेल जब सोख लेगा तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाएगा इसमें। अब हमने इसे एक दूसरे कढ़ाई में रखना है सारे टिक्कों को, और उसके ऊपर से चीज़ डाल देनी है, फिर कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करना है लो फ्लेम पे। फिर ये देखिए, चीज़ मेल्ट हो चुकी है और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। चीज़ डालने की वजह से इसका टेस्ट और बढ़ गया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने तो थोड़ी कम चीज़ डाली है, अगर आप और चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है चीज़ का।
चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया। और अगर आप ना चाहें डालना तो आप ऐसे ही सिर्फ फ्राई करके भी खा सकते हो, हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ चाहो आप खा सकते हो। बहुत कम टाइम में और बहुत ज़बरदस्त डिश बन के तैयार हुई है, आप भी इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिश कैसी लगी। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।